जायका टीवी इजी रेसिपीज़ में आज हमने बनाई है बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी बहुत ही डिलिशियस और बहुत टेस्टी बनी है और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो हमने कैसे बनाई है देखते हैं। हमने ये कुछ चीज़ें ली हैं बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए। इसमें मैंने लिए हैं 2 कप बेसन। ये जो कप रखा हुआ है बेसन का, इससे नाप कर लिया है। इसी कप से मैंने नापा है बेसन 2 कप। इसी कप से मैंने नापा है घी, चीनी, और यही नाप है मेरा। और ये है इलायची, छोटी इलायची हरी वाली। इसके मैं दाने निकाल कर कूट लूँगी फ्रेश। और ये मैंने लिया है 2 चुटकी कलर जर्दे का रंग। और ये बादाम पिस्ते हैं, ये मैंने बारीक काट लिए हैं। इस डिश को मैंने ग्रीस कर लिया है जिसमें मैंने बर्फ़ी को जमाना है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि बेसन को छान लूँगी। 2 कप बेसन मैंने ले लिया है और मैं इसे अच्छी तरह से इसमें छान लूँगी। छानने से ये फ़ायदा होता है कि जो गुठलियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं बेसन की, और कचरा भी जो थोड़ा बहुत होता है वो भी निकल जाता है। वैसे तो बेसन साफ़ था और ये आप देख सकते हैं कि बेसन छन गया है। पैन में हम घी डालेंगे। घी मेल्ट किया हुआ लिया है मैंने, और 1 कप से थोड़ा सा और ज़्यादा ले लिया था, 2 से 3 टेबल स्पून। और उसमें ये गरम कर लिया घी को, उसमें बेसन डाल दिया। मीडियम टू लो फ्लेम है, इस पे हम बेसन को भूनते रहेंगे। बेसन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि इसकी बहुत प्यारी सी एक खुशबू आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा खुशबू से कि बेसन भुन चुका है। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए बेसन को भूनना है, और इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि फिर ये जल जाता है। तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बेसन को भूनते रहेंगे, और ये अच्छा सा जब भुन जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा बेसन भुन चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जर्दे का रंग 2 चुटकी। इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत सा हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो बस 2 चुटकी काफ़ी है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैंने डाल दिया है इलायची के दाने। 1 छोटा चम्मच चाय का इलायची के दाने मैंने कूट के इसमें डाले हैं। 7 से 8 इलायचियाँ ली थी, उसमें से दाने निकाले और उन्हें कूट लिया। फ्रेश इलायची की बहुत अच्छी खुशबू होती है, और आप चाहें तो पाउडर डाल सकते हैं। ये मैंने 1 कप चीनी डाला है। 1 कप चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप चीनी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं चीनी, और चीनी आप किसी भी डाल सकते हैं। मैंने बारीक चीनी डाली है। इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, और चीनी डालने से थोड़ा सा हलवा पतला हो जाएगा, मगर हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। और ये देखें, चीनी तकरीबन इसकी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। और ये हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। और अब हमने जो ग्रीस करके एक पैन रखा था, डिश हमने रखी थी कांच की, उसे ग्रीस कर लिया था घी से ही। तो उसमें हमने अब फ्लेम ऑफ कर दिया है, और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इस तरह से चला के। इसे रोकेंगे नहीं क्योंकि जल जाता है, और फिर हम इसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी देर हम इसे पंखे में रखेंगे, ठंडा कर लेंगे। और इस पे मैं डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते। जब ये थोड़ा सा जम जाएगा तो हम इसमें निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल अच्छा जम चुका है, परफेक्ट। तो हमें जिस तरह का काटना है हम इसमें निशान लगा लेंगे, और इसे एहतियात से निकाल लेंगे। ये काफ़ी टाइट जम गया था, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के